पैनल डिस्कशन का यह प्लान भी हमारे नीले प्रताप जोड़ी जी मैडम का ही था, क्योंकि हमने इनके सबके लिए एक 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 हमने स्टॉपेज दिया था कि आप लोग सभी हमारे लिए कुछ आशीर्वचन बोलकर जाएंगे। उन्होंने कहा इससे अच्छा होगा कि हम सभी एक पैनल डिस्कशन करें जिसका कि ऐसा थीम हो जो हमारे बच्चों को प्रेरित कर सके। और ये बात सच है, आप यहाँ जो बैठे हुए खिलाड़ी हैं आपको यह बहुत काम आएगा। और ये जिम्मेवारी सौंपी गई थी मिस अंजुम चोपड़ा को, जो आज अभी हमारे बीच नहीं है, तो ये जिम्मेवारी उड़ती हुई मेरे कंधों पर आ गई है। मैं कोशिश करूंगी कि अपनी इस जिम्मेवारी के साथ मैं कुछ हद तक इसको निभा सकूं। तो अगेन आप लोग कोई भी हमारे पैनलिस्ट किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, बट स्टिल मैं एक एक करके मैं सबसे उनसे गुजारिश करूंगी कि वो अपने बारे में भी दो शब्द कहें जब वो बच्चों को कुछ मैसेज दे रहे हैं, तो वो पैनल डिस्कशन के दौरान अपनी अपने बारे में दो शब्द बताकर और फिर चर्चा को शुरू करें। तो एज इफ टू स्टार्ट विद, आई एम डॉक्टर सुशील सिंह, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ PFWS पुलिस फैमिली वेलफेयर सोसाइटी, एंड आई कॉम्प्लीमेंट ऑल द पैनलिस्ट कमिंग फ्रॉम वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ फॉर देयर वैल्युएबल टाइम एंड सपोर्ट टू आवर नोबल कॉज। थैंक यू वेरी मच। PFWS Mission Olympic is not only a dream but is a concept, a huge responsibility and an accountability in this current context. We all know this. But before we begin, let me take this opportunity to congratulate each one of you who have made on your individual success for bringing laurels to your community and to the country. Thank you once again. A heartiest congratulations to all of you. You all deserve kudos because you have given us an opportunity to for our kids to learn from you and to follow you to achieve their goals. Today we have assembled here to talk about the efforts required to encounter, or you can call it counterbalance, the opportunities lost, and also about the efforts for getting a respectable medal tally. Let us have a quick view from each one of you about how individual athletics can make the country proud. So our theme of discussion today, as Manish has said, that Olympic medal, is it still a dream for India? My first question goes to the country's pride and renowned Paralympic medal winner, Ms. Deepa Malik. Deepa ji, as per Vision 2020, what is the urgent requirement which may facilitate empowerment to our athletes? मेरे opinion में जो सबसे urgent requirement है वो ये है कि मुझे लगता है कि हम लोग infrastructure और उसकी बातें ज़्यादा करते हैं। मेरे हिसाब से एक athlete का talent search, potential identify करना और फिर उसको एक लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम कस्टमाइज करके विद अ गुड कोचिंग एथलीट सपोर्टिंग स्टाफ, वो बहुत जरूरी है। बिकॉज ब्रेक इन ट्रेनिंग जो आती है बार बार, वो आई थिंक कहीं ना कहीं हमारे मेडल्स को अफेक्ट कर जाती है। तो एक कॉन्टिन्यूड कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेनिंग जो कोच ओरिएंटेड एंड एथलीट ओरिएंटेड हो, it should not be policy oriented, it should be customized। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो एक खिलाड़ी की इंडिविजुअल जरूरत है और जो कोच उस खिलाड़ी के लिए जरूरत ढूंढ रहा है, और साथ ही उसमें कॉन्टिन्यूटी बनी रहे, क्योंकि छोटा सा भी ब्रेक आता है तो वो कहीं ना कहीं हमारे मेडल पे असर कर जाता है। उदाहरण के लिए मैं अपना ही लेती हूँ, मैंने 12 सितंबर 2016 में सिल्वर मेडल लिया था, लेकिन 1 मई को पहला ऑफिशियल कैंप लगा है, वो भी उस चैंपियनशिप के लिए जिसका ओपनिंग सेरेमनी 14 जुलाई को है, और मेरा इवेंट शॉटपुट का आया है। अब शॉटपुट का वही इवेंट है, उसकी अगर आप मेरे ख्याल से 2 हफ्ते भी ट्रेनिंग छोड़ दें तो मसल आपकी रिजॉल्व होने लग जाती है, आप यू स्टार्ट गोइंग बैक टू जीरो। तो ये जो एक कॉन्टिन्यूटी की मैं बात कर रही हूँ, वो उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि आप पॉलिसी बनाते रहे लेकिन उसको इंडक्ट ना करें और उसको इम्प्लीमेंट ना करें, और आइडेंटिफाइड जो आपका एक टैलेंट है उसको आप वेस्ट ना होने दें। बिल्कुल सही जवाब, क्या बहुत बड़ी खूबसूरती से इन्होंने
अपने दिल की ही बात ही नहीं केवल शेयर की है बल्कि एक बहुत अच्छा उदाहरण बच्चों को दिया है कि ये जो इन्होंने बात कही है कि आइडेंटिफाइंग द टैलेंट, जो हम कोशिश भी कर रहे हैं कि टैलेंट को आइडेंटिफाई करने की हमारी कोशिश है, लेकिन बिना लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड कोचिंग के ये कभी पूरा नहीं हो पाएगा। और ये जो कोच ओरिएंटेड एंड एथलीट ओरिएंटेड ट्रेनिंग की बात कर रही है, कस्टमाइज ट्रेनिंग की बात कर रही है, इसी की हमारी भी खोज है और मैं हम भी इसी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। और इसी क्षेत्र में अगर आप हमारी मदद करें तो शायद हम भी अपने छोटे से गोल को पूरा कर पाएंगे। बहुत सम्मान की बात है मैम, आपने मेरे को इस लायक समझा कि मैं बच्चों का नेतृत्व कर सकूं या मैं उनकी प्रेरणा बन सकूं। आप हमारी प्रेरणा है। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे खूबसूरत बात जिसकी मैं मुबारकबाद आज आपके एसोसिएशन को यहाँ देना चाहूंगी कि एक इंक्लूसिविटी लेकर एक जो आपका विजन है वो सबके लिए है, स्पोर्ट्स फॉर ऑल का जो ये विजन है जिसमें आपने उतना ही सम्मान एक पैरालंपिक ओलंपिक लेवल मेडलिस्ट को दिया है जितना आपने एक एबल बॉडी ओलंपियन को दिया है, और हमारे खेलों को आपने मेन स्ट्रीम खेल में जोड़कर और अपने प्रोग्राम में उसका हिस्सा बनाया है, और उस इनिशिएटिव का आप मुझे ब्रांड एम्बेसडर कह रहे हैं तो मेरे लिए सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद दीपा जी, रियली नाइस ऑफ यू। एक्चुअली इट वाज आवर गोल, I would not shy away from this fact by admitting the fact that I had been a sports person throughout. मुझे खेलने नहीं दिया जाता था, शर्त ये होती थी कि आप क्लास कक्षा में प्रथम आएंगे तो आप खेल सकती हैं। तो मैंने उस दौर को सोचते हुए कि इन बच्चों को कम से कम उस दौर से ना गुजरना पड़े, और खास कर लड़कियों के लिए इसलिए बहुत हमारा झुकाव है जो आप सबसे पता की बात ये है कि कल 23 जून है और इसे ओलंपिक डे के रूप में मनाया जाता है, और हम ओलंपियंस पे एक जिम्मेदारी डाली जाती है कि हम इस ओलंपिक की जो मशाल है या इसका जो जज्बा है, इसका जो इंस्पिरेशन है, वो हम एक ओलंपिक मूवमेंट बच्चों को एनकरेज करें कि वो भी ओलंपिक का सपना लेकर खेले। तो फिर अगर सपना इतना बड़ा होगा तो तैयारी भी उतनी बड़ी होगी और मेहनत भी उतनी होगी, तो इन सब के लिए जो एनकरेजमेंट देना है आप, मैं सोच ही रही थी कि मैंने ओलंपिक डे पे क्या करना है, 23 जून को मैंने कैसे एक स्पेशल डे बनाना है, और आपने मुझे ये ब्रांड एम्बेसडर की ऑफर दे के मेरा जो सम्मान बढ़ाया है, मुझे मौका दिया है इसमें आगे जाने के लिए, उसके लिए मैं आप सबके लिए धन्यवाद अपना प्रस्तुत करती हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद दीपावली जी। सो मैं मेरा एक्चुअली वही अगला क्वेश्चन था आपसे कि वुड यू लाइक टू शेयर वन ऑफ योर इम्पोर्टेंट ग्लिम्स ऑफ योर लाइफ हिस्ट्री विच कैन इनकरेज आवर चिल्ड्रन, मोटिवेट आवर चिल्ड्रन एंड विच मे बी डिप्राइव्ड ऑफ द फैसिलिटीज टू पार्टिसिपेट एंड शाइन इन देयर चोजन फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। मेरे जीवन से तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत खुश नसीब थी कि मैं बचपन में खेली, क्योंकि जब 30 वर्ष की आयु में डॉक्टरों ने मुझे ये कहा कि अब ट्यूमर निकालने के बाद आप नहीं चल पाएंगी या आपका छाती का निचला हिस्सा पूरा चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक, और मुझे ये भी कहा गया कि अब तो फिजियोथेरेपी करना, रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइज करना, ये आपकी जिंदगी का हिस्सा है, जितनी देर आप अपनी जो बची कुची बॉडी है उसको आप ट्रेन करके रखेंगी या आप अपनी स्पास्टिसिटी को मेंटेन करने के लिए पैसिव मूवमेंट्स की एक्सरसाइजेस करेंगी तभी तक आपका शरीर चलेगा, नहीं तो आप बिस्तर पर पड़ जाएंगी। क्योंकि मैं स्पोर्ट्स करती थी अपने बचपन में, मैं खेली हूँ स्कूल और कॉलेज के स्तर पे, तो मुझे कोई ऐसा इसमें नई चीज नहीं लगी, और मेरे पति भी खिलाड़ी हैं, मेरे फादर इन लॉ भी इतने बढ़िया फौज में खिलाड़ी रहे हैं कि आज तक उनका रिकॉर्ड IMA में 6.5 गुम्स का टूटा नहीं है आज तक। और तो हमारे परिवार के लिए ये एक्सरसाइज करना, फिजियोथेरेपी करना या पैसिव मूवमेंट्स बॉडी के लिए मूवमेंट करना, ये कोई बहुत अजीब सा या एक शॉकिंग न्यूज नहीं था। मैंने देखा है कि मेरे साथ जब लोग फिजियोथेरेपी करने आते हैं या अपनी मेंटेनेंस के लिए बॉडी के लिए कुछ व्यायाम करते हैं तो उनको ये पनिशमेंट जैसा लगता है, उनको बर्डन जैसा लगता है, उनको लगता है कि हाय राम जिंदगी हमें हाथ हिलाने हैं या पैर हिलाने हैं या पानी में जाके व्यायाम करना है। तो ये जो खेल है ये हमको जिंदगी के हर चैलेंज के लिए तैयार करता है, उसमें आप हारते हो, गिरते हो, दोबारा तैयारी करते हो, तो कहीं ना कहीं वो एक हिम्मत
संपत्ति जज्बा अंदर था तो इस शरीर से भी, और फिर इतना अच्छा लगा कि खेल ही मेरी इस अपंगता को मात करने का माध्यम बन गया। जब 36 वर्ष की आयु में मैं स्विमिंग भी नहीं करती थी, उसे हम हाइड्रोथेरेपी कहते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी केसेस को पानी में डाल के एक्सरसाइज कराई जाती है, और वहीं से फिर एक जज्बा जागा कि क्यों ना मैं खेलों के वर्ल्ड को ज्वाइन। एट 2008 बीजिंग ओलंपिक सिल्वर मेडल, एट 2012 समर ओलंपिक्स, आप पहले ऐसे इंडियन थे जिन्होंने ओलंपिक में मल्टीपल मेडल्स जीता। आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं ओलंपिक मेडल्स जीतने के सिलसिले में, खासकर रेसलिंग के बारे में और खासकर विमेन टाइटल्स के बारे में, हम आपसे जानना चाहेंगे। मैं सबसे पहले तो मैम आपका धन्यवाद देना चाहूंगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे पुलिस के जवानों के लिए आप इतना अच्छा काम करते हैं। मैं दूसरा कार्यक्रम मेरे ख्याल से ये हुआ, और डिसेबल बच्चे थे पीछे तो उनका बड़ा अच्छा आपने कार्यक्रम किया था, जिसमें कल्चर प्रोग्राम हमारे बहुत अच्छे थे। और सबसे अच्छी बात मेरे को जब आपने एक बार कहा फोन करके कि भैया हम स्पोर्ट्स के लिए कुछ कर रहे हैं, तो मैंने बिना ही कुछ कहे कि मैं पक्का आऊँगा। और जितने भी यहाँ ये लोग बैठे हैं मैं आपको बता दूँ कि ये इतना जबरदस्त काम ये लोग कर रहे हैं। एक बार आप सबका दायित्व बनता है, जितने पेरेंट्स बैठे हैं, जितने बच्चे बैठे हैं, कि वो एक बार मैम का और सोसाइटी का पूरी का तालियां बजाकर बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि स्पोर्ट्स को खिलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, एक्सपोजर देने के लिए बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं। और मैम आपने जिस तरीके से रेसलिंग के बारे में मेरे से पूछा कि रेसलिंग 56 साल के बाद हमने ओलंपिक में मेडल जीता था बीजिंग, तो 56 साल का जो एक सुबह था उसके बाद पहले ऐसा लगता था कि ओलंपिक मेडल जो है हम बस बोल ही सकते हैं कि ओलंपिक मेडल ला, वो मुझे भी जब ही पता लगा कि हम ओलंपिक मेडल जीत सकते। और उसके बाद हमने दोबारा से फिर मेडल जीता, और तीसरी बार योगेश्वर ने साथ में जीता, और तीसरी बार हमारी एक बच्ची है साक्षी, उसने मेडल जीता। जिस तरीके से मैम ने अभी बताया अपनी स्पीच में रखा कि हमारी बच्चियों ने जो देश की नाक है वो अब की बार रखी है 2016 के ओलंपिक में, जब हम मेडल के लिए जूझ रहे थे हमारी बच्चियों ने देश के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो कुश्ती में तो मैम बहुत अच्छा हमारी संभावनाएं हैं, और पहले जब ये सोचते थे कि लोग कि हमें ओलंपिक खेलने जाना है, अब हमारे बच्चों के दिमाग में एक वो चीज़ आ गई है कि नहीं ओलंपिक खेलने तो जाना ही जाना है, हमें मेडल भी जीतना। और ये बड़ा चेंज हमारे अंदर हुआ, जब आदमी कुछ एक चीज सोच लेता है तो उसको पक्का कर लेता है। जब आप ओलंपिक 2020 की तरफ, वो हमारे लिए सफिशिएंट है, और या इसका अगर सफिशिएंट नहीं है तो ये हम उसकी किस तरीके से तैयारी करें, आप क्या शिक्षा देना चाहेंगे? आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि हमारे बीच रेसलिंग में पहली बार, मतलब हमने भी उम्मीद नहीं की थी, पर तीन लड़कियां आगे निकल कर आई हैं, बड़े गौरवान्वित हैं। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारे पास जिस तरीके से आप लोगों ने चुनाव किया है ना कि ये स्पोर्ट्स हमें कराने, इस तरीके से हमें अपने जो ओलंपिक में बहुत नजदीक है, हम जैसे टेनिस में बहुत नजदीक है, फोर्थ रहे, शूटिंग में बिंद्रा जी फोर्थ रहे, तो जिस तरीके से हम बहुत ज्यादा नजदीक है जिन गेमों में, हमें उन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, और खिलाना दूसरों को भी चाहिए मगर उन पे ज्यादा थोड़ा सा फोकस कर देना चाहिए, क्योंकि हम बहुत नजदीक है। जो इस तरीके से जिस तरीके से आप लोगों ने प्लान करके इस एक छोटा सा जो एक ओलंपिक का एक तैयार किया है, तो उसको आप बिल्कुल सही रास्ते में है मैम, और जो हमारे बच्चे हैं वो मेरे ख्याल से जिस तरीके से मैम ने भी कहा कि हो सकता है कि आने वाला टाइम ये हमें गौरवान्वित करे, देश की सेवा करे, ओलंपिक खेल कर ओलंपिक में मेडल जीत कर। और एक चीज मैं मंच के माध्यम से एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जहाँ रेसलिंग का दिल्ली पुलिस का सेंटर है, उससे थोड़ी सी दूर हमारा रेसलिंग का सेंटर है, जहाँ से ओलंपिक मेडल, वर्ल्ड चैंपियन, कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट, एशिया के मेडलिस्ट, सारे वो मेडल उस सेंटर ने जीता है। तो मैं आप लोगों से कंधा मिलाकर जो वो बच्चे हैं जो ट्रेनिंग करना चाहते हैं दिल्ली पुलिस के, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ ट्रेनिंग,